अंकल आपका लगेज। पहले एक तू ही थी जिसे मिस करते थे, अब इसकी भी बड़ी याद आनी है। मम्मा तुसी सैड ना हो, मैं आ जाऊंगी ना, जल्दी जल्दी आ जाऊंगी लुधियाना आपके नाती को लेकर। सरोज जी आप बिल्कुल फिक्र ना करो जी, बहुत जल्द भेज दूंगी अमृता को लुधियाना आपके पास, फिर आराम से बैठी रहिएगा अपनी नाती को गोद में रखकर। चलिए अंकल जी टैक्सी आ गई है। लो जी टैक्सी भी आ गई, टाइम तो पता ही नहीं चला। अरे एक मिनट, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ राम से प्रीतम प्यारे। सॉरी आ जाओ आराम से बैठ जा पुत्र, यहीं बैठ जा और नाश्ता भी कर ले, ठीक है? तुम यहाँ आराम से बैठो। ओए सोनी। हाँ प्रीतम प्यारे को ऑमलेट खिला। मैं बनाती हूँ। रुक नहीं, पहले दवाई खानी है खाने से पहले। सोनी अंदर से दवाई ले आने यार। अब मैं लाती हूँ। चल यार हम निकलते हैं, अपना ख्याल रखी जी। ओ बैठा रहे यार बैठा रहे, चल मिलते हैं फिर। कभी आना हमारे यहाँ लुधियाने जी। ये मेडिसिन आपकी। जब तक राहुल मेरे साथ रहेगा तुमसे दूर, तुम तड़पोगे, मेरी हर एक बात मानोगे। तुम मर्दों का क्या है, जानते मुझे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी इसको पैदा करने में। ये ले। क्या हुआ, पानी ले पुत्र, कहाँ खोया है? नहीं कुछ नहीं बस। ये आपके लिए सूप। सूप? अब ये सुबह सुबह सूप कौन पीता है? अरे पी ले प्रीतम पुत्र, ताकत मिलेगी। ये सूप हमारी अमृता पुत्र ने तुम्हारे लिए बनवाया है। देखिए इनकी तो दुश्मनी है मुझसे, इन्होंने जानबूझ के बनवाया होगा। पी ले पुत्र पी ले, पहले सूप पी ले फिर ऑमलेट ब्रेड खा ले। ब्रेड ऑमलेट खा लूंगा वो ठीक है। और सूप? नहीं पीना सूप। अरे वैसे भी मेरे मुंह का टेस्ट चला गया। पीले पुत्र। ओ पीला यारा, सेहत के लिए बड़ी सॉलिड चीज होती है ये। देखिए मुझे नहीं पीना सूप, अच्छी जबरदस्ती है। ये क्या बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं आप, पीजिए चुपचाप। अभी सिर्फ सूप ही दे रही हूँ इसको, पीजिए वरना कमली को बोल के बनवाती हूँ मैं करेले का जूस, और वो भी पीना पड़ेगा आपको। देखिए आप लोग मुझे नीचे लाकर टॉर्चर नहीं कर सकते। आपको टॉर्चर समझना है तो वही सही, सूप तो अब आपको पीना ही पड़ेगा। पी ले पुत्र, अमृता से नहीं जीत पाओगे। हाँ। आप लोग कह रहे हैं इसलिए पी रहा हूँ, मगर ये जबरदस्ती है। हाँ हाँ पीजिए चुपचाप। पीला भाई इससे कोई नहीं जीत सकता, अब बैठा रहे फॉर्मेलिटी नहीं, चल सूप पी और सेहत बना, बहुत जल्दी जल्दी चंगा हो जा, चल मिलते हैं। ओए सोनी तू यहीं खड़ी रह, देखना चीटिंग ना करेगी। हाँ भाभी मैं यहीं पे रहूंगी। वैसे भाभी आपकी समझती क्या आपने आपको, अच्छी जबरदस्ती है। बुलाऊं भाभी को? पी रहा हूं। कुलजीते जी भाभी, भाई इस वाली ना अमृता के साथ मैं भी लुधियाने आवांगा, वहां मेरे एक इवेंट रखवा देना बस, मजा आ जाएगा। ठीक है रख दो सामान रख दो। अजी वो हमारी बात तो रह गई थी। कौन सी बात कुलजीते? अरे बता ना अजी, अमृता के बारे में क्या सोचा है? अब तो उसकी डिलीवरी भी हो गई है। आपको याद है ना हमारी बात हुई थी करण के जाने के बाद, बाबूजी भी थे उनके सामने बात हुई थी हमारी। अमृता के सामने पूरी जिंदगी पड़ी है,
आपको अपना वादा याद तो है ना बाजी? अमृता को सेटल करने के बारे में बात हुई थी। कुलजीत, बस कर। और कितने आंसू बहाएगा तू? है ना, रो मत। करण को सिर्फ अमृता ने नहीं, हम सब ने खोया है कुलजीत। हमारी अमृता विधवा हो गई है पाजी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। उधर लुधियाना में उसकी माँ उसके लिए रंगी बिरंगी चूड़ियां खरीदती रहती, कहती कि अमृता जब भी आएगी मैं उसे अपने हाथों से पहनाऊंगी। आज तो अमृता की कलाइया ही सूनी हो गई है। कुलजीत सबर कर पुत्र, जीवन की प्रक्रिया में ना हम सिर्फ पाते नहीं खोते भी हैं। खो तो दिया ना बाबूजी अमृता ने करण को, लेकिन उसकी कोख पे करण की जो निशानी पाल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया है हमारी अमृता को। ओए ना ना, ऐसा मत बोल यार कुलजीत, यही तो अच्छी खबर मिली है हम लोगों को इतने दिनों के बाद, हमारा करण वापस आ रहा है। कुलजीत आप समझ नहीं रहे हो पाजी, बच्चे के रूप में तो करण आ सकता है लेकिन अमृता के सुहाग के रूप में नहीं। ये उम्र है उसके विधवा होने की पाजी, जिंदगी भर वो आपके आंगन में क्या ऐसी घूमती रहेगी? क्या आप लोगों ने सोचा है कि आगे क्या करना है अमृता का? कुलजीत तू सही कह रहा है, अमृता गर्भवती है ये जानकर हम इतने खुश हो गए कि ये सोचा ही नहीं कि अमृता का क्या होगा आगे। आगे क्या होगा, क्या मतलब भौजी? भौजी अमृता की कोख में हमारा वारिस पल रहा है। और अमृता की ताउम्र कैद का फरमान। मैंने तो सोचा था कि एक बार अमृता करण के काम से उबर जाए मैं फिर से उसका कार बसा दूंगा, लेकिन ना ना कुलजीत, ये तो क्या बोल रहा है? अमृता हमारे घर में, हमारी जिंदगी में रच बस गई है यार, उसके बिना हम चाहते तो हम भी नहीं थे ना पाजी। लीत मैं तेरा दर्द समझ रहा हूं, अच्छी तरह समझ रहा हूं। सही कह रहा है तू, अमृता का कार फिर से बसना चाहिए, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आनी चाहिए, उसकी सोनी कलाई फिर से भरनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है बाबूजी? गुनीत स्वार्थी ना बन, सिर्फ अपने पोते की नहीं अमृता के बारे में सोच। वो बेचारी तो खिलने से पहले ही मुरझा गई है। और तूने क्या कहा था याद है कि अमृता मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है? याद है कि बेटी ऐसे ही कार में जिंदगी भर बैठी रहे है? अपनी खुशी के लिए उसके अरमानों को कुचल देगा? भाजी अमृता की कोख में करण की जो निशानी पाल रही है उससे मुझे भी उतना ही प्यार उतना ही लगाव है जितना आपको है। और अबे अमृता के बारे में भी तो सोचना होगा ना पुत्र। करण नाम के दिए को तो भगवान ने बुझा दिया, अब हम अमृता को क्यों बुझाते हैं? बाप की तरह सोच। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। मैं नहीं पुत्र, कुलजीत को बता क्या करेगा तू। हमारी अमृता की जिंदगी नहीं रुकेगी कुलजीत, उसका घर हम बसाएंगे। एक बार इस बच्चे को दुनिया में आ जाने दे यार।
बाजी आपने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया? बाजी अमृता के भविष्य की बहुत चिंता होती है। यार अमृता की चिंता हमें भी है कुलजीते, और मैं अपना वादा भूला नहीं हूं यार। अब मैं भी अमृता का बाप हूं, उसकी जिंदगी ही जाया नहीं होने दूंगा। एक बार ये सब कुछ सेटल हो जाए ना, उसके बाद हम अमृता को फिर से बसाएंगे। अजी थैंक यू वेरी मच बाजी, आपने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा, रब थोड़ा भला करे बाजी, भला करे। ऐसी कौन सी इमोशनल बात हो रही है आप दोनों के बीच? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या इमोशनल बात? कुछ नहीं पुत्र, बस सबदी आपस में बात कर रहे हैं और क्या। आओ चलो चलो आओ चलो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।